कौन? हाँ मैं जुदा। सुजा मैं। आपने यहां आने का दुस्साहस कैसे किया? इतना बड़ा विश्वासघात करके क्या मुंह लेकर आए आप यहां पर? हमने कोई विश्वासघात नहीं किया, हमने सिर्फ युद्ध किया है अमेर की गद्दी के लिए, वो गद्दी जिस पर हमारे बापू सर के जाने के बाद हमारा अधिकार था। उन वीरों के रक्त पर भी आपका अधिकार था जिसे आपने बहने दिया, या राजा सूर्यभान के सर पर आपका अधिकार था जिसे आपने यूं ही कट जाने दिया? राजा सूर्यभान के साथ जो भी हुआ उसे हमें भी बहुत ठेस पहुंची, इसलिए मुगलों का साथ छोड़कर आ गए। किसी विश्वासघाती पर हम भरोसा नहीं कर सकते। विश्वासघात हमने नहीं, तुम्हारे बापू सर ने किया, और आप जो वो करने जा रहे हैं वो कुंवर सुजामल, हम अपने बापू साहब के विरुद्ध एक शब्द नहीं सुन सकते। जो सच में द्रोह कर रहा है उसके विरुद्ध तुम कुछ नहीं सुन सकती। पहले उन्होंने हमारे साथ छल किया, इस अमीर के साथ छल किया, और अब तुम्हें चलने जा रहे। हमने कहा ना हमें कुछ नहीं सुनना है। किंतु जो बाहर हमने सुना उसके बाद तुमसे मिले बिना हमसे रहा नहीं किया। तुम्हारे बापू साहब ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। जुदा, जिस जलालुद्दीन मोहम्मद से तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी वो उससे प्रतिशोध लेने के लिए ही हमने ही बापू साहब को अपने विवाह की स्वीकृति दी है। जो कुछ भी हो रहा है हमारी इच्छा से ही हो रहा है। अब आप यहां से चले जाइए। राजा सूर्यभान तो अपने ही रहे, पर जोधा अभी जीवित है। हम आमिर और हमारे बाकी के भाइयों के लिए कुछ भी करेंगे। जोधा तुम ठीक हो? सूचा मन पकड़ो इसे। जोधा एक बार जाओ और जाके पूछो राजा भारमल से अपनी गद्दी बचाने के लिए वो किससे हाथ मिलाकर आए। भाई साहब क्या कह रहे थे सुजामल भाई साहब? जोधा सुजामल आया, जरूर वो किसी सिपाही के साथ। भाई साहब पहले आप हमें बताइए उनकी बातों का क्या अर्थ था? जोधा सुजामल एक राजद्रोही है और तुम उसकी बात का भरोसा कर रही हो? दिन निकट आ रहा है, आप जोधा को बता क्यों नहीं देते कि उसका ब्याह एक राजकुमार से नहीं जलाल से तय हुआ है? कोई अच्छा अवसर मिले तो हम स्वयं जाकर बता देंगे मैनावती। आप जल्द से जल्द उसे बता दीजिए वरना देर हो जाएगी। आओ जोधा आओ, हम तुम्हारे गहनों की बात कर रहे थे। भगवान दास ये तुम्हारे हाथ से रक्त कैसे? सुजामल आया था, उसकी तलवार छूकर निकल गई। वो यहाँ क्यों आया था और कैसे? गुप्त मार्ग से पहुंचा होगा, घर का भेदी लंका ठाए, लेकिन वो यहाँ आया ही क्यों? वो हमसे मिलने आए थे बापू साहब, किंतु हमने साफ कह दिया अब हम उनसे कभी नहीं मिलना चाहेंगे। आप ठीक थे बापू साहब,
अब भाई साहब पहले जैसे नहीं रहे। आपके बारे में भी न जाने क्या भला बुरा कह रहे थे। कह रहे थे कि पूछना तुम्हारे बाबूसा से कि किसके साथ हाथ मिलाया है। किंतु हमने उनकी एक न सुनी। खमोगणी हुकुम, संदेश आया है। क्या लिखा है भारमल? मां साहब विवाह का संदेश है। वो लोग कल ही सांभर पहुंच रहे हैं और चाहते हैं कि विवाह भी वहीं हो। भगवान दास, हमें तुरंत सांभर के लिए निकलना होगा। सांभर में बारात के स्वागत का प्रबंध करो सैनिक संगीतज्ञ, और सजावट वालों को तुरंत आदेश दो। जी बापू साहब। हम समझ गए मासा, आमेर में आज हमारी आखिरी रात्रि है। आप चिंता मत कीजिए, हम तैयार हैं। समय अधिक नहीं है हमारे पास मंत्री जी, आज रात से ही सारे प्रबंध प्रारंभ हो जाने चाहिए। मंडप और सभा स्थल भी आमेर की प्रतिष्ठा के अनुसार होना चाहिए। समय कम है, ऐसे कोई बहाने हम सुनना नहीं चाहेंगे। सारे प्रबंध हो जाएंगे कुंवर साहब, किसी को कोई अवसर नहीं मिलेगा कि कोई कमी निकाल सके। और हाँ, सावधान रहना होगा। माना ये जगह आमेर के निकट है, मगर ये आमेर नहीं है। सुरक्षा एकदम चाक चौबंद होनी चाहिए। वो मुगल, उन मुगलों ने घुसपैठ कर दी है। लगता है जलाल को पता चल गया है कि हम सब सांभर में हैं। आपको कुछ करना होगा भाई साहब। जोधा, ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम्हारा भ्रम है। मुगल यहाँ कैसे आ सकते हैं? जलाल भी तो आमेर में आ ही गया था ना भाई साहब, और आप तो जानते हैं हमारी आंखें भ्रमित नहीं हो सकती है। जोधा, थकान के कारण अच्छे अच्छे लोग भ्रमित हो जाते हैं। तुम जाकर विश्राम करो, कल का दिन बहुत लंबा है। बहुत सारी रीतियां विधियां और कर्मकांड होने हैं। अगर तुमने विश्राम नहीं किया तो हमारी बहन का चेहरा मुरझाया हुआ लगेगा। जोधा, विश्वास रखो, सभी सैनिक सतर्क हैं, यहां कोई मुगल नहीं आ सकता। भाई साहब, मुगलों से हमें डर नहीं लगता, पर हमें भय है जलालुद्दीन का। वो बहुत क्रूर है। उसने पिछली बार हमारे साथ जो कुछ भी किया उसे हम भूल नहीं सके हैं भाई साहब। और कोई बड़ी बात नहीं है कि वो हमारे विवाह में विघ्न डाले, क्योंकि उसे अब तक तो पता चल ही चुका होगा कि ये विवाह बापू साहब मुगलों से आमेर की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। जोधा, हम कह रहे हैं ना, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस विवाह के बाद आमेर सदा के लिए मुगलों से सुरक्षित हो जाएगा। मां भवानी करे ऐसा ही हो। वैसे भाई साहब,
बताइए तो वो कौन शूरवीर है जो हमसे विवाह के बाद उस जलाल को करारा उत्तर देंगे, उसका सर काट के ले आएंगे। जोधा, ये तुम्हारे विवाह का अवसर है और ऐसे शुभ अवसर पर ये सब बातें नहीं सोचते। तुम जाओ और जाकर आराम करो। कैसे बताऊं तुम्हें जोधा, जलाल से ही विवाह हो रहा है तुम्हारा।